गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है जो कि संपूर्ण मध्यकालीन भारत की पहले लेक्चर है और आधारित है एनसीईआरटी सार संग्रह पर। तो एनसीईआरटी सार संग्रह का जो संपूर्ण मध्यकालीन भारत है, इसमें हम पहला लेक्चर देखेंगे और पहला लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत के इतिहास में पहला जो आपका टॉपिक है, भारत पर मुस्लिम आक्रमण। तो दोस्तों ये देखेंगे भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण है, ये कब हुआ, किसके समय में हुआ, इससे संबंधित जो है हम लोग देखेंगे। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है, यानी पहला पॉइंट दिया हुआ है, इसमें ये कह रहा है कि भारत पर आक्रमण करने वाला जो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था, वह मूलतः कहाँ का निवासी था। ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो ये था अरब का प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी, ये अरब देश का रहने वाला था और वर्ष 711 में भारत में सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण हुआ। और इस किसके नेतृत्व में किया गया, तो ये नेतृत्व में जो है उबैदुल्लाह के नेतृत्व में सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण जो है का नेतृत्व किया गया सन 711। अगला पॉइंट कह रहा है कि वर्ष 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर, जो उस समय सिंध के राजा कौन थे, दाहिर थे, और ये मोहम्मद बिन कासिम जो है ये 712 ईस्वी में आया, को पराजित कर थट्टा के समीप स्थित देवल बंदरगाह को अपने अधिकार में ले लिया। किसने ले लिया, मोहम्मद बिन कासिम ने, और उस समय सिंध के राजा थे राजा दाहिर, को पराजित किया और थत्ता के समीप था देवल बंदरगाह को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया 712 ईस्वी में। अगला पॉइंट कह रहा है कि सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त की, तो ये नगर था मुल्तान, जो कि स्वर्ण नगरी के नाम से प्रसिद्ध था। तो सबसे पहले जो है मोहम्मद बिन कासिम ने जो है ये अंतिम विजय मोहम्मद बिन कासिम की थी, मुल्तान पर इसने विजय किया था, जिसे स्वर्ण नगरी के नाम पर जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत में जो जजिया कर है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो भारत में जजिया कर लगाने वाला जो पहला शासक था, वो था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम से क्वेश्चन कई बने हैं, ध्यान रखिएगा। मोहम्मद बिन कासिम वो पहला शासक था जिसने सबसे पहले जजिया कर लगाया था। और अगला पॉइंट कह रहा है कि कह रहा कि सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा किसका प्रचलन प्रारंभ किया गया, तो ये प्रारंभ किया गया था ऊंट पालने का और खजूर की खेती करने का। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अरबों के पश्चात भारत में किन विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन हुआ, तो ये हुआ दोस्तों तुर्कों का। अरबों के बाद में भारत पर यदि आक्रमण किसी ने किया तो वो तुर्की थे। आगे अगला पॉइंट कह रहा है कि तुर्की में जो गजनी वंश की स्थापना, यानी तुर्की में गजनी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई, ये की गई थी अल्फतगीन गजनी के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत में प्रथम तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया, तो भारत में अगर पहला तुर्की आक्रमण किया गया था सुबुक्तगीन गजनी के द्वारा भारत में पहला तुर्की आक्रमण किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि 712 में भारत पर सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था, ये था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण किया था भारत पर 712 में। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सुबुक्तगीन गजनी ने अपने आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत के किस हिंदू शाही शासक को पराजित किया था, तो ये पराजित किया था जो है जयपाल को। अगला पॉइंट कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि महमूद गजनवी द्वारा वर्ष 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण के दौरान गुजरात का जो शासक था वो कौन था, तो ये था दोस्तों भीम प्रथम उस समय गुजरात का शासक था जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया। और कब किया गया, 1025 में, किसके द्वारा किया गया, महमूद गजनवी के द्वारा किया गया। अगला पॉइंट कह रहा है कि महमूद गजनवी ने भारत पर
1000 से 1027 ईस्वी के मध्य 17 बार आक्रमण किया, और इसके आक्रमण का मुख्य जो उद्देश्य है वो भारत को धन संपदा यानी भारत की धन संपदा लूटना, न कि साम्राज्य की स्थापना करना। इसका मेन उद्देश्य था महमूद गजनी का कि आक्रमण करो और आक्रमण करके यहाँ से जो सोना और धन है उसको लूट कर ले जाना, और यहाँ पर साम्राज्य स्थापित करने के लिए उसने आक्रमण नहीं किया था। और ये कब किया था? 1000 से 1025 ईस्वी के बीच 17 बार इसने आक्रमण किया महमूद गजनवी ने। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, और अगला पॉइंट कह रहा है कि महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला जो प्रसिद्ध इतिहासकार था वो कौन था? तो वो था दोस्तों अलबरूनी। अलबरूनी एक प्रसिद्ध इतिहासकार था जो कि महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अलबरूनी ने किताबें जो लिखी है वो किताब का नाम है किताबुल हिंद उत्वी और किताबुल यामनी फिरदौसी। इसे पूर्व का जो है होमर द्वारा शाहनामा नामक पुस्तक की रचना की गई थी। शाहनामा दोस्तों कई बार पूछा गया है, किताबुल हिंद कई बार पूछा गया है, उत्वी भी पूछा गया है, और किताबुल यामनी भी पूछा गया, फिरदौसी भी कई बार पूछा गया है। तो ये इनके लेखक जो है अलबरूनी है, और कई बार ये पुस्तक जो है पूछे गए हैं विभिन्न एग्जामों में। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी द्वारा भारत पर पहला आक्रमण किया गया। तो महमूद गजनवी आक्रमण करके चला गया, उसके बाद मोहम्मद गौरी आया और उसने भी भारत पर पहला आक्रमण किया, और कब किया? ये किया था 1175 ईस्वी में मुल्तान में। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपके विभिन्न एग्जामों में। आगे कह रहा है मोहम्मद गौरी को वर्ष 1178 में अहलवाड़ा जो कि पाटन में पड़ता है पर आक्रमण करने के दौरान इसके द्वारा पराजित किया गया। तो ये पराजित किया गया था भीम द्वितीय के द्वारा, और भीम द्वितीय का जो मूल नाम था वो था मूल राज। तराइन का पहला युद्ध योम तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ ये किसके मध्य लड़ा गया? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। तो तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध, ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य में तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध हुआ था। इसके किसके बीच? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, और अगला पॉइंट ये कह रहा है कि युद्ध संख्या दी हुई है, वर्ष दिया हुआ और परिणाम दिया हुआ तराइन के युद्ध के बारे में। तो जो पहला युद्ध हुआ ये 1191 ईस्वी में हुआ, और इसका परिणाम रहा कि मोहम्मद गौरी पराजित हुआ। दूसरा युद्ध जो तराइन का हुआ ये हुआ 1192, जस्ट एक साल बाद, और इसमें मोहम्मद गौरी विजित हुआ यानी विजयी रहा। तो तराइन में दो युद्ध, पहला 1191 कई बार पूछा गया है, और दूसरा युद्ध 1192। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? तो मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के जो शासक थे उस समय राजा जयचंद को चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया, और कब किया गया? 1194 में इसमें। तो 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ जिसमें पराजित हुआ जयचंद और मोहम्मद गौरी जो है विजयी हुआ। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि मोहम्मद गौरी के साथ भारत आने वाला जो प्रसिद्ध सूफी संत था वो कौन था? तो ओत प्रसिद्ध जो सूफी संत थे वो थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक के द्वारा बनवाई गई थी? तो सिक्कों पर जो देवी लक्ष्मी की आकृति है वो मोहम्मद गौरी शासक के द्वारा जो है बनवाई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का एक साधारण दास था। बख्तियार खिलजी क्या था? एक दास था, सेवक था, नौकर था, किसका? मोहम्मद गौरी का था, और जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की। इसने अपने आक्रमण के दौरान नालंदा योम विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया। कभी कई बार क्वेश्चन बना है कि नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? तो बख्तियार खिलजी ने किया, और बख्तियार खिलजी दास था किसका? मोहम्मद गौरी का। अगला पॉइंट कह रहा है कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य पर किन तीन गुलामों द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया? तो जो मोहम्मद गौरी था ये तो
इसकी जब मृत्यु हो गई तो इसके बाद जो इसका साम्राज्य था इनके दासों द्वारा जो है चलाया गया था, इनके गुलामों के द्वारा चलाया गया था। और उन दासों में थे एक एक जो थे यालदौस, दूसरा था कुबाचा और तीसरा था कुतुबुद्दीन ईबक। भारतीय जनता के लिए हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा कि भारत की जनता के लिए सबसे पहले हिंदू शब्द का प्रयोग जो है ये अरबों द्वारा किया गया था। और इसी में जो मध्यकालीन भारत है इसमें जो नेक्स्ट चैप्टर आपका है दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के बारे में हम लोग देखेंगे कि ये जो दिल्ली सल्तनत है ये 1200 ईस्वी से 1526 ईस्वी के बीच का जो समय है वह दिल्ली सल्तनत का काल है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि जो एक इतवारी था यानी इलवारी वंश, इलवारी वंश में हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन शासक हुए। तो इलवारी वंश में जो है इलवारी वंश, और इसके के अंतर्गत आता है पहला एक गुलाम वंश, गुलाम वंश में दोस्तों 11 शासक हुए। दूसरा आता है खिलजी वंश, खिलजी वंश में 5 शासक हुए। और तीसरा है तुगलक वंश, तुगलक वंश में 9 शासक हुए। इसी के साथ जो सैयद वंश है, सैयद वंश में 4 शासक हुए। तो हम सबसे पहले देखते हैं गुलाम वंश में जो 11 शासक हुए, कभी कभी ये जो है सीरियल वाइज रखने को आ जाता है या मैचिंग करने को आ जाता है या क्रमबद्ध करने के लिए पूछ लेता है। तो इसको हम लोग देखेंगे कि जो कुतुबु जो गुलाम वंश है, गुलाम वंश में सबसे पहला जो शासक हुआ वह हुआ है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी गुलाम वंश में 11 शासक हुए, 11 शासक में जो पहला शासक है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक शासन किया और इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई। दूसरा है आराम शाह, इसने 1210, आराम शाह जो है ये 1210 गद्दी पर बैठा। और इन दोनों के जो शासन है उसे कुतुबी राजवंश के नाम से जाना जाता है। जो तीसरे शासक हुए उसमें आते हैं इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली स्थापित की और ये 1210 से 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश ने शासन किया। इसमें इल्तुतमिश के बाद जो अगला शासक हुआ ये है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, ये 1236 पे गद्दी पर बैठा। उसके बाद आ जाते हैं रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी से 1249 ईस्वी तक जो है शासन करती है। और इनके जो शासन है इनमें शम्मी राजवंश के नाम से भी इसे जाना जाता है। और अगला जो शासक हुआ वो मुइजुद्दीन बहराम शाह हुआ, जो कि 1240 से 1242 तक इसने शासन किया। और इसके बाद इसी के क्रम में जो अगला शासक हुआ वो है अलाउद्दीन मसूद शाह, जो कि 1242 गद्दी पर बैठा और 1246 तक शासन किया। और उसके बाद नसरुद्दीन महमूद, ये 1246 से 1265 तक शासन किया। उसके बाद आता है ग्यासुद्दीन बलवन, ग्यासुद्दीन बलवन ये 1265 गद्दी पर बैठा और 1287 तक शासन चलाया। फिर मुइजुद्दीन कैबुकवाद, ये 1287 पर बैठा और 1290 तक इसने शासन किया। और लास्ट में आता है शमसुद्दीन क्यूमर्स, ये 1290 पर 1290 में गद्दी पर बैठा और इनके शासन काल को कहा जाता है बलवनी राजवंश। इस हिसाब से इसमें 11 जो है गुलाम वंश में 11 शासक हुए। उसके बाद हम लोग देखते हैं खिलजी वंश, खिलजी वंश में 5 महत्वपूर्ण जो शासक हुए वो हैं, पहला शासक है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, 1290 से 1296 तक इसने शासन किया। और अगले आते हैं अलाउद्दीन खिलजी, जो कि 1296 से और 1316 ईस्वी तक शासन किया, सबसे लंबे समय तक। उसके बाद शिहाबुद्दीन उमर, ये 1316 ईस्वी में गद्दी पर बैठे और मात्र 35 दिन तक इन्होंने शासन चलाया। उसके बाद आता है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, ये भी 1316 से 1320 ईस्वी तक शासन किया। फिर नसरुद्दीन खुसरो खां, ये 15 अप्रैल से 7 सितंबर 1320 तक इसने शासन किया। तो ये 5 शासक हुए आपके खिलजी वंश में। उसके बाद अगर देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत की बात करें तो देखा जाए जो तीसरा है तुगलक वंश, तुगलक वंश में जो है 9 शासक हुए। 9 शासक में पहला जो है जो सबसे प्रसिद्ध शासक ग्यासुद्दीन तुगलक शाह, ये 1320 से 1325 ईस्वी तक शासन किया।
उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक सबसे प्रसिद्ध, यानी तुगलक वंश में सबसे प्रसिद्ध जो शासक है वो मोहम्मद बिन तुगलक है। ये 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक इसने शासन किया, सबसे लंबे समय तक भी इसने शासन किया। और नेक्स्ट पॉइंट है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक शासन किया, और उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय आते हैं जो कि 1388 से 1389 ईस्वी तक शासन करने के बाद अबू बकर शाह आता है, गद्दी पर बैठता है और ये 1389 से 90 तक शासन करता है। उसके बाद मोहम्मद शाह तृतीय आते हैं, 1390 से 1394 ईस्वी तक शासन किया, और फिर अलाउद्दीन सिकंदर शाह प्रथम ये आते हैं और ये जनवरी से मार्च तक इन्होंने 1394 ईस्वी में शासन किया। उसके बाद दो स्वतंत्र शासक होते हैं, एक तो होता है नसरुद्दीन महमूद शाह जो कि 1394 से 1413 ईस्वी तक दिल्ली का शासन किया, और दूसरा है नुसरत शाह जो 1394 से 1398 ईस्वी तक जो है शासन किया, और यह है फिरोजाबाद इसने राजधानी बनाई। और कुछ और इसमें फैक्ट देख लेते हैं। उसके बाद जो है इसमें जो शासन हुए सैयद वंश में देखा जाए चार शासक हुए, एक तो ख्रिज खां, दूसरा मुबारक शाह, तीसरा मोहम्मद शाह, चौथा अलाउद्दीन आलम शाह। तो ख्रिज खां 1414 से 1421 तक, मुबारक शाह 1421 से 1434 ईस्वी तक, और मोहम्मद शाह 1434 से 1445 ईस्वी तक, अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1451 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद जो लास्ट जो लोधी वंश में आता है पांचवा जो लोधी वंश है, इसमें तीन शासक हुए महत्वपूर्ण, एक तो बहलोल लोधी जो कि 1451 से 1489 तक शासन किया, उसके बाद सिकंदर लोधी 1489 से 1517 ईस्वी तक शासन किया, और तीसरे हैं इब्राहिम लोधी द्वितीय जो कि 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद इसमें कुछ पॉइंट देख ले रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक है वो किसे कहा जाता है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है ये दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था, इसका शासनकाल 1210 से 1236 ईस्वी तक था। दूसरा, इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के अस्थायित्व के लिए अनेक कार्य किए, जैसे तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया। कई बार पूछा गया है कि तुर्कान ए चहलगानी का जो है गठन किसने किया, तो ये किया था इल्तुतमिश ने। विरोधियों का दमन ये भी इल्तुतमिश ने किया, और नवीन प्रकार के सिक्कों का प्रारंभ भी इल्तुतमिश ने ही किया था। और तीसरा पॉइंट इसमें कह रहा है कि इल्तुतमिश ने सुल्तान ए आजम की उपाधि किसने धारण की, इल्तुतमिश ने धारण की, और ये दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला शासक था। यानी दिल्ली को राजधानी किसने सबसे पहले बनाया, इल्तुतमिश ने। क्योंकि ये पॉइंट पूछे गए हैं कई बार, ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो है पहला हमारा ये हो गया, और दूसरा हो गया दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के बाद में इसी से रिलेटेड कुछ जो है आपके जो वन लाइनर आपके हैं भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण से संबंधित, उसको हम लोग थोड़ा फास्ट रिविजन के साथ देख ले रहे हैं। पहला पॉइंट इसमें कह रहा है कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था, तो ये था दोस्तों कुतुबी था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा कि युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, ये था तराइन के द्वितीय युद्ध में। तीसरा है पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ, ये हुआ था 570 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब प्राप्त हुई, 712 ईस्वी में। शाहनामा के लेखक अभी हम लोगों ने देखा है, और फिरदौसी संबंधित हैं, तो ये महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित हैं। ध्यान रखिएगा कि शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं, और ये जो फिरदौसी हैं ये महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित। अगला पॉइंट है कि मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया, तो मोहम्मद गौरी को सबसे पहले भीम द्वितीय अथवा मूलराज द्वितीय ने पराजित किया। नेक्स्ट पॉइंट है कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था, ये चंदावर के युद्ध में पराजित किया था। और अगला है भारत में मोहम्मद गौरी ने प्रथम अक्ता प्रदान किया था कब, इसको यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट पॉइंट है बख्तियार खिलजी जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी, तो जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी ये था मोहम्मद गौरी का दास,
अभी हम लोगों ने देखा है और इसमें थोड़ा फास्ट विजन देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत पर आक्रमण करने वाले व्यक्तियों का सही क्रम क्या है। तो भारत पर सबसे पहले जो आक्रमण किया वो महमूद गजनवी ने, उसके बाद मोहम्मद गौरी ने, उसके बाद चंगेज खां, तैमूर ने। इन लोगों ने क्रम से, कभी कभी क्रम लगाने को आ जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा, भारत पर सबसे पहले महमूद गजनवी, फिर मोहम्मद गौरी, उसके बाद चंगेज खां, तैमूर ने आक्रमण किया। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो पृथ्वीराज तृतीय जो है ये पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ। तो ये अंकित हुआ अलाउद्दीन मसूद शाह। नेक्स्ट पॉइंट है कि चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। तो ये इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेजों ने, चंगेजों के अधीन जो मंगोल था उस पर जो है इल्तुतमिश के शासनकाल में ही आक्रमण हुआ था। अगला पॉइंट है कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था, किसने किया था, तुर्कों के द्वारा ये खेल सबसे पहले भारत में शुरू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे, ये किए थे महमूद गजनवी के। और नेक्स्ट पॉइंट है कि मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की, ये था बख्तियार खिलजी। अगला पॉइंट है कि मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था, तो ये जीता था शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक थी, ये थी दोस्तों रजिया सुल्ताना। और अगला पॉइंट है कि किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, ये देखा था शेख निजामुद्दीन औलिया ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो ये था मोहम्मद बिन कासिम। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि पुराणों का अध्ययन करने वाला जो पहला मुसलमान था वो कौन था, अलबरूनी था। नेक्स्ट, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था, ये हाथ था तुर्कों का। अगला पॉइंट है कि तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया, ये आक्रमण किया था 1398 ईस्वी। अगला पॉइंट है कि ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जो जड़ थी वो क्या थी, तो कंधार थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ, ये स्थापित हुआ सैयद वंश। आगे हम लोग देखते हैं दिल्ली सल्तनत से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, और इसी के साथ हमारा ये आखिरी टॉपिक है। और दोस्तों, चूंकि मध्यकालीन जो भारत है इसका पहला लेक्चर है, मध्यकालीन हम 2-3 वीडियो में कवर कर लेंगे। इससे पहले हमने जो भी NCERT पूरा कंप्लीट कवर कर दिया है। पिछले 2 महीने से वीडियो किसी विशेष परिस्थितियों में फंसे होने के कारण हम नहीं दे पाए, तो उसके लिए हम आप लोगों से थोड़ा क्षमा प्रार्थी हैं। और जो NCERT सार संग्रह हमने इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, और साथ ही साथ साइंस में तीनों पार्ट आपके कंप्लीट हैं, जो लोग ना देखो हों प्लेलिस्ट में जा कर के वॉच कर सकते हैं, और वीडियो को एंड तक देख कर उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब दिल्ली संतरण में थोड़ा देख लेते हैं कि गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कौन था। तो गुलाम वंश का स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया 2.5 दिन का झोपड़ा है, तो एक 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। अगला पॉइंट है कि कुतुब मीनार के निर्माण में जो योगदान दिया था वो दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसके बाद इल्तुतमिश ने, और फिर फिरोज शाह तुगलक। इन तीनों लोगों ने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया। अगला पॉइंट है कि दिल्ली का वह सुल्तान जिसने नियमित सिक्के जारी किए एवं दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया, तो वो था इल्तुतमिश। नेक्स्ट पॉइंट है कि मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए, कहाँ देखे गए, इल्तुतमिश के कार्यकाल में देखे गए। अगला पॉइंट है कि दिल्ली का वह सुल्तान जिसने रक्त और लौह की नीति अपनाई, ये था बलवन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया था, तो ये नियुक्त किया था मलिक जानी को। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में प्रसिद्ध त्यौहार जो नवरोज है, नवरोज का आरंभ करवाया था किसने, बलवन ने आरंभ करवाया था। और अगला पॉइंट है कि गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं खलीफा का सहायक कहा था, किसने कहा था, बलवन ने कहा था। नेक्स्ट पॉइंट है कि वह मध्यकालीन शासक जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की, तो ये थी अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया, ध्यान रखिएगा विभिन्न एग्जामों में। नेक्स्ट पॉइंट है कि घरी अथवा गृह कर
लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी ही था। सबसे पहले जो है होम टैक्स लगाया था, निग्रह कर लगाया था। और अगला पॉइंट है कि 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने वारंगल में परास्त किया था, तो किसे? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया? तो ये दिल्ली से दौलताबाद ले गया। अगला पॉइंट है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। और लास्ट पॉइंट आपका है, कह रहा है कि दिल्ली का वह सुल्तान जो दान दक्षिणा पर काफी ध्यान देता था और उसके लिए एक विभाग खोला और उस विभाग का नाम था दीवान-ए-खैरात। तो दीवान-ए-खैरात की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक। या सवाल ऐसे पूछ सकता है कि दीवान-ए-खैरात की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक। या फिरोज शाह तुगलक ने दान देने के लिए कौन से विभाग की स्थापना की? तो दीवान-ए-खैरात। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस शासक ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो ये भी उपाय किया था फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि कुलरुखी उपनाम से कविताओं की रचना किसने की थी? तो ये रचनाएं की थी सिकंदर लोधी ने। अगला पॉइंट कह रहा है कि अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है, किसको जाना जाता है? सिकंदर लोधी को। नेक्स्ट पॉइंट है, महाराणा शांगा ने इब्राहिम लोधी को परास्त किया था, कहाँ? घटोली के युद्ध में। और नेक्स्ट पॉइंट है कि दिल्ली पर शासन करने वाले वंशों का सही क्रम क्या है? तो दिल्ली पर जिन राजवंशों ने शासन किया, सबसे पहले तो गुलाम वंश ने, उसके बाद खिलजी वंश ने, फिर तुगलक वंश ने, फिर सैयद वंश ने, उसके बाद लोधी वंश ने। ध्यान रखिएगा, एक क्रम में लगाने को भी आ सकता है और वैसे भी मैचिंग भी पूछ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ था, तो कब प्रारंभ हुआ था? यानी ये सल्तनत के सुल्तानों द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था। और अगला पॉइंट है कि महाभारत का तेलुगु संस्करण किसने लिखा था? तो नैयर भट्ट ने लिखा था। अगला पॉइंट है कि 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान एवं मंगोलों के बीच जो सीमा थी वो क्या थी? सिंधु थी। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? ये बनवाया था राणा कुंभा ने। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की? तो ये थी, एक ही थी, इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने खलीफा उल्लाह का विरुद्ध जो है उपाधि धारण की? ये उपाधि धारण की थी कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टका जारी करने वाला जो मध्यकालीन शासक था वो कौन था? वो था इल्तुतमिश था। और अगला पॉइंट है कि अमीर खुसरो किसके शासनकाल से संबंधित है? अमीर खुसरो संबंधित है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से। नेक्स्ट है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। और अगला है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो ये थे रामचंद्र देव। नेक्स्ट पॉइंट है कि फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? तो दार उल सफा एक खैराती अस्पताल था जिसको फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। अगला पॉइंट है, और पॉइंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट वाइज है, देख लीजिए। और अगला कह रहा है कि किसने आगरा की स्थापना की? सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना की थी। और दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया? ये जजिया कर लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है, बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के सुल्तानों में इसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की? तो ये की थी फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने रोजगार कार्यालय की स्थापना की। अगला पॉइंट कह रहा है कि दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का सही कालक्रम क्या है? तो अफगान शासक यानी दिल्ली की राजगद्दी पर जो अफगान शासक बैठे उनका क्रम आपको बताना है। तो उसमें है बहलोल खान लोधी, उसके बाद सिकंदर शाह, उसके बाद इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट है कि दिल्ली संतरत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये अंतिम शासक था नासिर उद्दीन महमूद। और नेक्स्ट पॉइंट है कि सुल्तान कुतुबुद्दीन शाह ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो ये हुई थी चौगान क्रीड़ा खेलते समय घोड़े से गिरकर। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई वो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। अगला है, इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत के शासन
को वास्तव में इस्लामी नहीं माना है, क्योंकि सुल्तानों ने मुस्लिम कानूनों के साथ साथ अपने स्वयं के नियम बना दिए थे। और अगला पॉइंट है कि राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिल गई और प्रजा को अपने राजा से, ये किसके निधन पर बदायूनी ने इस प्रकार टिप्पणी की थी, तो ये टिप्पणी की थी मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु पर। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये पॉइंट जो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपके टोटल चूंकि एनसीईआरटी बेस्ड एनसीईआरटी बुक से हैं और ये आपके हर एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आपका कोई बीसीएस हो, आरओ आरओ हो, या यूकेपीसीएस हो, या बीपीएससी हो, एसएससी हो, या यूपीपी हो, ये सभी के लिए जो है सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो लोग पिछली वीडियो ना देखे हो वो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, और कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।